कैन यू इमेजिन अ ब्यूटिफुल गार्डन फुल ऑफ स्कल्पचर्स और ये थाउजेंड्स ऑफ स्कल्पचर्स वेस्ट मटेरियल से बने हों? नो राइट, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बट कुछ लोग होते हैं जिनका विजन बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल होता है कि वो उसे सच कर दिखाते हैं। मिस्टर नेकचंद जी उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने अपना विजन सच कर दिखाया और ये ब्यूटीफुल रॉक गार्डन बनाया। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी धूप लगी है, तो हमने सोचा थोड़ा घुमा फिरा जाए, इसलिए हम आज जा रहे हैं रॉक गार्डन। और ये सिटी ब्यूटीफुल सीरीज की फोर्थ वीडियो है। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज डू चेक आउट, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल पर भी आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं चंडीगढ़ का रॉक गार्डन कैसा है। स्टे ट्यून्ड। रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन सेक्टर 1 ऑफ चंडीगढ़। ये सुखना लेक के बिल्कुल पास में ही है, तो हमें वहाँ पहुँचने में अराउंड 10 मिनट्स लग जाएंगे। बट आसपास जब नज़ारे इतने ब्यूटीफुल हों, आसपास ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो, पेड़ ही पेड़ हों, तो 10 मिनट कैसे गुजर जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता। सो एंजॉय वॉचिंग। तो हम पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन और हम लोग कार से आए हैं, तो पहले हम कार पार्क करेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। और पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है। सुखना लेक का पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा है और रॉक गार्डन का भी काफ़ी बड़ा है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पार्किंग वगैरह की दिक्कत नहीं आती। तो गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोगों ने टिकट्स ले ली थी एंड टिकट्स आर 30 रुपीज पर हेड और छोटे बच्चों के लिए टिकट्स हैं 10 रुपीज पर हेड। और रॉक गार्डन की एंट्री टिकट काउंटर से लेफ्ट साइड की तरफ है, तो अभी हम लेफ्ट साइड की तरफ मतलब एंट्री की तरफ जा रहे हैं। एंट्री के जस्ट बाहर आपको ये रॉक रखी हुई मिलेगी जो नेकचंद जी के सम्मान में यहाँ रखी गई है। गार्डन में एंटर होते ही आपको इतना ब्यूटीफुल काम देखने को मिलेगा, यू विल बी अमेज्ड टू सी द वर्क। हर एक स्कल्पचर इतने ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सारे स्कल्पचर्स वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। ये वॉल जो अभी आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल वेस्ट से डेकोरेट की गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वेस्ट से भी हम किसी चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं? मिस्टर नेकचंद सैनी जी ने ये सोचा और कर दिखाया। रॉक गार्डन इज ऑल्सो नोन एज नेकचंद सैनीज गार्डन बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ रॉक गार्डन। 1957 में उन्होंने ये गार्डन अपने स्पेयर टाइम में वेस्ट लैंड पर बनाना शुरू किया था और उन्होंने ये सीक्रेटली किया था। एंड दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज करके नेकचंद सैनी जी ने रॉक गार्डन तैयार किया था। रॉक गार्डन में स्कल्पचर्स के साथ साथ आपको बीच बीच में छोटी छोटी वाटर बॉडीज भी देखने को मिलती हैं जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। इस गार्डन में बीच बीच में छोटे छोटे गेट्स बने हुए हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, तो आपको हर एक गेट झुककर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप सीधे निकल जाओगे ना तो आपका सिर टकरा सकता है, आपको चोट लग सकती है। हमने अभी तक जितने भी गेट क्रॉस किए वो सारे के सारे झुककर ही क्रॉस किए, तो जब आप रॉक गार्डन आए आप इस बात का ध्यान रखें। लुक एट दिस वॉल्स जो कि रॉक से बनाकर तैयार की गई हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नेकचंद जी ने इस गार्डन को बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल का यूज किया था। चाहे वॉल्स हैं, गेट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, दे हैव बीन मेड ऑफ स्क्रेप एंड अदर काइंड ऑफ वेस्ट
वेस्ट लाइक बॉटल्स, ग्लासेस जो जनरली हम फेंक देते हैं, बैंगल्स, टाइल्स, सिरेमिक पॉट्स और इलेक्ट्रिकल वेस्ट, जैसे कि हमने वो वॉल देखी थी वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल वेस्ट से बनी थी, ब्रोकन पाइप्स, तो इस तरह का मटेरियल उन्होंने इस गार्डन को बनाने के लिए यूज़ किया था। रॉक गार्डन 40 एकड़ लैंड पर फैला हुआ है, तो आप यहाँ जब भी आएं टाइम निकाल कर आएं ताकि आप हर चीज़ अच्छे से और बारीकी से देख सकें और इंजॉय कर सकें। और आप जो फुटवेयर पहन कर आएं वो बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए और आप अपने साथ पानी की एक बॉटल भी ज़रूर लाएं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए फुटवेयर कंफर्टेबल होने चाहिए। और जब हम इतना ज़्यादा पैदल चलते हैं तो हमें प्यास भी लगती है, इसलिए आपके साथ पानी की बॉटल भी ज़रूर होनी चाहिए। रॉक गार्डन में आपको एक पुराना कुआं भी देखने को मिलता है और ये किसी वजह से ऊपर से बंद कर दिया गया है। और यहाँ आसपास लोग कह रहे थे कि अगर हम इसमें कॉइन फेंकेंगे तो हमारी विशेस पूरी हो जाती हैं, बट इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना ही तो मैंने इसमें कॉइन फेंका। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी भी है। ये देखिए पुराने घड़े जिन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ सजाया हुआ है। नेकचंद जी ने जब ये गार्डन बनाना शुरू किया था तो वो सिटी के अराउंड जितनी भी डीमोलिशन साइट्स थी वहाँ जाते थे और डीमोलिश्ड मटेरियल को लाते थे और उसे रिसाइकल करके वो ये गार्डन तैयार कर रहे थे। बट ये काम वो सीक्रेटली कर रहे थे और ये इलीगल था। 18 सालों तक उन्होंने इस काम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने दिया। छिपते छिपाते वो 18 सालों तक अपना काम करते रहे। 1976 में जब अथॉरिटीज को इनके काम के बारे में पता चला, हिज वर्क वॉज इन डेंजर ऑफ बींग डिमोलिश्ड, बट ही वॉज एबल टू गेट पब्लिक ओपिनियन ऑन हिज साइड, तभी आज हम ये ब्यूटीफुल गार्डन देख पा रहे हैं। और तब तक नेकचंद जी 12 एकड़ जमीन पर इस गार्डन को बना चुके थे। एंड इन 1976 द पार्क वॉज इनॉग्रेटेड एज पब्लिक स्पेस और नेकचंद जी को उनके काम की सैलरी मिलने लगी और साथ ही टाइटल भी मिला। उन्हें सब डिविजनल इंजीनियर रॉक गार्डन का टाइटल मिला और साथ ही 50 वर्कर्स भी दिए गए ताकि वो इस ब्यूटीफुल काम को अपना फुल टाइम दे सकें। आई थिंक ये जो छोटे छोटे गेट्स बनाए हुए हैं ये हमें एक्साइटेड रखने के लिए बनाए हुए हैं, ताकि हम एक्साइटेड रहे कि जब हम ये गेट क्रॉस करेंगे तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है। अभी तक हमने जितने भी गेट्स क्रॉस किए हैं ना, हर गेट को क्रॉस करने के बाद हमें अलग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्कल्पचर्स, जो वॉल्स हमने पीछे देखी आगे भी हमें वही देखने को मिलेंगी। गेट को जैसे ही क्रॉस करते हैं ना तो हमारी दुनिया ही बदल जाती है, अलग ही स्कल्पचर्स, अलग ही वॉल्स हमें देखने को मिलती हैं। नेकचंद जी का जो विजन था वो एक किंगडम बनाने का था जिसमें राजा हो, रानी हो, उनकी फैमिली हो, पूरा दरबार हो, और उनका ये विजन हमें उनके स्कल्पचर्स में देखने को भी मिलता है। और साथ ही उन्होंने तरह तरह के एनिमल्स बनाए हैं, बर्ड्स बनाए हैं, और हर एक स्कल्पचर्स बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाया हुआ है और डिफरेंट स्कल्पचर्स को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल का यूज किया गया है। दिस ब्यूटीफुल वॉल जो टाइल के पीसेस से बनाकर तैयार की गई है और कलर देखिए कितने वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव हैं। लुक एट दीज यूनिक स्कल्पचर्स जो पुरानी टूटी हुई चूड़ियों से बनाकर तैयार किए गए हैं। दे आर लुकिंग सो कलरफुल, सो अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। क्या आप सोच सकते हैं कि आप पुरानी टूटी हुई चूड़ियों से अपने घर में कुछ इस तरह का तैयार कर सकते हैं? आई थिंक इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। रॉक गार्डन आप वीक में किसी भी दिन जा सकती हैं, ये हर दिन खुला ही रहता है। और अक्टूबर से मार्च तक यानी सर्दियों के दिनों में ये सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। और गर्मियों के दिनों में अप्रैल से लेकर सितंबर तक ये 9 बजे खुलता है, सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है।
तो रॉक गार्डन के रॉकिंग अमेजिंग स्कल्पचर्स को देखने के बाद अभी हम गार्डन के दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहां हमें ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। गार्डन के इस तरफ जाने के लिए जो पैसेजेस हैं ना, वो बहुत ही नैरो हैं और इस तरफ ज़्यादातर आपको वॉल्स रॉक से बनी हुई मिलेंगी। कई वॉल्स तो इतनी ऊंची ऊंची हैं और वो पूरी की पूरी रॉक से बनी हुई हैं, जैसे कि ये वॉल। ये देखिए एक बहुत ही छोटा सा वाटरफॉल है, इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी है, बट फिर भी ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। देखिए कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल बनाया हुआ है, कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। जिस तरह से यहाँ सारे के सारे स्कल्पचर्स मैन मेड हैं, उसी तरह से यहाँ जितने भी वाटरफॉल्स हैं, ये भी मैन मेड हैं। कोई भी वाटरफॉल नेचुरल नहीं है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बनाया गया है, ऊपर छोटे छोटे गेट्स बनाए हुए हैं ताकि जब पानी इनके बीच से गुजरे तो वो बहुत ही सुंदर लगे। अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाटरफॉल की तरफ, बट रास्ते में हमें ये हट मिली एंड दिस वॉज द प्लेस, दिस वॉज द हट जहाँ से नेकचंद जी ने अपना काम करना शुरू किया था। पहले उन्होंने ये हट बनाई और फिर यहीं से वो अपना सारा काम करते थे और ये ब्यूटीफुल रॉक गार्डन बनाने में उन्हें 20 साल लग गए थे। अभी हम उसी वाटरफॉल की दूसरी तरफ जा रहे हैं और ये देखिए पैसेजेस कितने नैरो हैं। रॉक गार्डन ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ही साफ सुथरा गार्डन भी है। यहाँ आपको जगह जगह पर साफ सफाई करने वाले लोग मिलते रहेंगे, जैसे कि ये देखिए ये लोग अभी पीछे साफ सफाई ही कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रॉक गार्डन का जो वाटरफॉल वाला एरिया है, वाटरफॉल वाली जो साइड है, यहाँ की जो वॉल्स हैं वो रॉक से बनी हुई हैं और वॉल्स के ऊपर छोटी छोटी क्यूट हट्स बनाई हुई हैं, कैसल्स बनाए हुए हैं ताकि ये वॉल्स देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगें। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के आप किसी भी कोने में चले जाएंगे ना, आपको यूनिक से यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी, चाहे वो रॉक से बनी हुई वॉल्स हों या रॉक से बनी हुई स्टेयर्स। और देखिए इस ब्रिज को जो मैन मेड है, बट कितना नेचुरल लग रहा है, क्योंकि इसकी जो रेलिंग है ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पेड़ों की जड़ें हैं। ये वही वाटरफॉल है जो हमने पहले देखा था और यहाँ से इसका व्यू और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि ये हमें ऊपर से नीचे तक पूरा दिखाई दे रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन की एक और ब्यूटीफुल लोकेशन पर। दिस इज अनदर वाटरफॉल ऑफ रॉक गार्डन। इस गार्डन की मैं जितनी तारीफ करूँ ना, उतनी कम होगी। आप इस गार्डन की किसी भी लोकेशन पर चले जाइए, किसी भी कोने पर खड़े हो जाइए, यू विल बी अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। हम लोग यहाँ सुबह सुबह ही आ गए थे, इसलिए भीड़ काफी कम थी, बट अभी भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ, अगर आप रॉक गार्डन आ रहे हैं तो आप सुबह सुबह ही आ जाइए, आपको भीड़ काफी कम मिलेगी और आप हर चीज को अच्छे से देख पाएंगे। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बहुत ही यूनिक है, चाहे यहाँ की वाटरफॉल्स की बात कर लें, स्कल्पचर्स की बात करें या फिर वाटर बॉडीज की बात करें, हर एक चीज को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आप यहाँ चाहे पहली बार आ रहे हैं या 10वीं बार आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। यहाँ जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं ना, कम ही लगता है। ये गार्डन इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसीलिए यहाँ पर मूवीज की शूटिंग भी की जाती है। जैसे आपको पता ही होगा कि शेरशाह मूवी की शूटिंग भी यहाँ की गई है।
लुक एट दीज चेयर्स जो टाइल के पीसेस से बनाकर तैयार की गई हैं, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल लग रही हैं। तो आप यहाँ बैठकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक है। हमने पूरा गार्डन घूम लिया है, सारे के सारे स्कल्पचर देख लिए हैं, वाटर बॉडीज, वाटरफॉल्स देख लिए हैं और अभी बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था। तो अभी हम गार्डन से बाहर निकल रहे हैं पार्किंग की तरफ। गाइज, रॉक गार्डन इज रॉकिंग एंड अमेजिंग। तो आप यहाँ जरूर आए, यहाँ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने आज बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया एंड आई होप आपने भी वीडियो इंजॉय किया होगा। अगर किया सो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।